स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 1, दैट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, मीनिंग ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस एंड स्विचिंग टेक्निक्स. सो टुडेज टॉपिक इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. Network protocols are formal standard and rules that define communication between two or more devices over a network. Network protocols हमारे कुछ particular standards या rules होते हैं जो क्या define करते हैं, communication कैसे हो पा रहा है two or more devices के बीच में over a network. यानी कि हमारे network पर जो भी devices आपस में connected हैं उनके बीच में जो communication हो पा रहा है वो किस standards and किस rules को follow कर रहे हैं, that standards and rules are known as network protocol. See, if in a particular network two nodes are connected and they want to send data to particular node, for example node A want to send data to node B, so these both nodes have to follow a set of rules when sending and receiving information with each other. यानी कि इन दोनों नोड्स को आपस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, दैट आर नोन एज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. सो आवर फर्स्ट प्रोटोकॉल इज TCP. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP एक पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है TCP, विच इज़ यूज फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर नेटवर्क. एक नेटवर्क पर कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है, दैट इज डिफाइंड बाय TCP. TCP क्या करता है, हमारे जो मैसेज होता है जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट करते हैं एक पर्टिकुलर नोड से दूसरी नोड के पास, वो उस मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड करता है. इट डिवाइड्स एनी मैसेज इनटू अ सीरीज ऑफ पैकेट्स दैट आर सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, उस पर्टिकुलर मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड करता है. और डेस्टिनेशन पर वो पर्टिकुलर पैकेट्स जो होते हैं कैसे रीअसेंबल होते हैं, दैट इज ऑल्सो डन बाय TCP प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज IP. IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. IP इज बेसिकली डिजाइन एज अ एड्रेसिंग प्रोटोकॉल. IP का एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है और हमारा ये यूज़ होता है TCP के साथ. जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था, IP उसी के साथ यूज़ होता है. और IP जब TCP के साथ यूज़ होता है तो हम इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं TCP IP. IP एड्रेस इन पैकेट हेल्प इन राउटिंग दैम थ्रू डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क अंटिल इट रीचेज अ डेस्टिनेशन सिस्टम. सो फॉर एग्जाम्पल, एक नेटवर्क के अंदर 4 नोड्स आपस में कनेक्टेड है. सो नोड ए को नोड सी को कुछ डाटा या कुछ मैसेज ट्रांसमिट करना है, तो मैसेज हमारा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा. तो उस पैकेट को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस पर्टिकुलर नोड के पास जाना है, तो उस पैकेट्स पर एक हेडर अटैच होता है जिसमें पर्टिकुलर IP एड्रेस डिफाइन होता है, और सोर्स का भी और डेस्टिनेशन नोड का भी, जिससे ये पता चल पाता है कि ये पर्टिकुलर जो पैकेट है इसको किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचना है. सो IP एड्रेस पैकेट्स के साथ अटैच होते हैं ताकि डिफरेंट नोड से होते हुए नेटवर्क में जब वो कैसे अपने डेस्टिनेशन सिस्टम या डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचेंगे, वो हमारा IP एड्रेस से डिफाइन होता है. IP एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है नोड के लिए. यानी कि हर एक नोड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं. जैसे कि आपके पर्टिकुलर जो सिस्टम्स भी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है. जैसे आपका घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, इसी तरह से आपके सिस्टम का जो नेटवर्क में नोड्स कनेक्टेड है उनका भी एक IP एड्रेस डिफाइन होता है. IP एड्रेस जो होता है 32 बिट का एक बाइनरी नंबर होता है जो 4 डेसिमल वैल्यूज से रिप्रेजेंट होता है, एंड ईच रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स इन द रेंज 0 to 255 सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट्स. दिस इज नोन एज डॉटेड डेसिमल नोटेशन. देखिए, ये हमारा एक एग्जांपल दिया गया है IP एड्रेस का, जिसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 255 के बीच में होते हैं, और हमारे जो नंबर होते हैं वो डॉट से सेपरेट किए जाते हैं. और हमारा ये 4 ऑक्टेट का मतलब होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर. और हमारे नंबर 0 से 255 तक होते हैं एंड डॉट से सेपरेट किए होते हैं. नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल.
जिसे हम पीपीपी भी बोलते हैं। पीपीपी स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर यूजिंग अ सीरियल इंटरफेस, मोस्टली अ पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड बाय फोन लाइन टू अ सर्वर। किसी टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कैसे सर्वर से कनेक्टेड है, और उस दो कंप्यूटर्स के बीच में, दो कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं किसी टेलीफोन लाइंस के थ्रू, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है, दैट इज डिफाइंड बाय पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल आईएसपी जो हमारा होता है, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करता है, हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आईएसपी जैसे कि हमारा बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये हमारे सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये जब हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये हमें एक पीपीपी कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कनेक्शन मिलता है हमें, तो वो पीपीपी कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर जब ISP जो सर्वर होता है, जो उस पर्टिकुलर ISP का सर्वर होता है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कैसे आंसर करता है। मान लो किसी भी क्लाइंट ने, किसी भी यूज़र ने ISP से एक पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरनेट बाय कर लिया, तो वो ISP जो सर्वर है उसके पास, उससे हमारा क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट करेगा। अगर क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो ISP का सर्वर उसको रिस्पोंड करता है। इट वॉज बेसिकली डिजाइन टू हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम थ्रू टेलीफोन लाइन्स एज इट सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ नेटवर्क पैकेट्स ओवर सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। एक पॉइंट टू पॉइंट होता है सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक, उसके थ्रू दो सिस्टम जो हैं वो आपस में पैकेट्स को ट्रांसमिट करते हैं, और हमारे जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है, थ्रू टेलीफोन लाइन्स। पीपीपी समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ द TCP/IP सूट ऑफ प्रोटोकॉल। जो पीपीपी प्रोटोकॉल है वो किसका मेंबर है, TCP/IP सूट ऑफ प्रोटोकॉल का ही एक मेंबर है। नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज नोन एज HTTP/P, यानी कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड HTTP इज डिजाइन फॉर ट्रांसफरिंग अ हाइपर टेक्स्ट अमंग टू और मोर सिस्टम, दो या दो से अधिक सिस्टम्स के बीच में कैसे हमारा जो मैसेज है, हाइपर टेक्स्ट मैसेज है, वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज यूजिंग HTTP। आपने देखा भी होगा जब भी आप गूगल पे कोई भी साइट या पर्टिकुलर कोई भी साइट एड्रेस बार में लिखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, और जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा www.facebook.com, जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो आपने देखा होगा आपके URL के अंदर आगे आ जाता है HTTP या HTTPS। तो ये HTTP क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुँचाने में हेल्प करता है, और सर्वर से जो रिस्पॉन्ड आता है उस पर्टिकुलर पेज का, उसे क्लाइंट तक लाने में हेल्प करता है। सो HTTP प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हेल्प करता है। HTML टैग्स, HTML के कुछ टैग्स होते हैं जिससे हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम टैग्स का यूज़ होता है, और जब हम ये लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो हम कुछ टैग्स के बारे में ही पढ़ते हैं, और इन टैग्स की हेल्प से हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। लिंक्स क्या होते हैं कि अगर हमने, आपने देखा होगा गूगल पे, अगर आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो कुछ लिंक्स आते हैं, तो आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। तो उन लिंक्स को कौन क्रिएट करता है, HTML टैग्स की हेल्प से उन लिंक्स को क्रिएट किया जाता है। और ये जो लिंक्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। HTTP हमारा डिज़ाइन किया जाता है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को एंड सर्वर रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। तो ये हमारे जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो HTTP इसमें हेल्प करता है। HTTP के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक तो हमारा कनेक्शन लेस होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, कनेक्शन लेस है। और दूसरा क्या है, HTTP इस मीडिया इंडिपेंडेंट है, इसको कुछ पर्टिकुलर मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और HTTP हमारा स्टेटलेस होता है। तो उसके कुछ हमारी फीचर्स बताए गए हैं HTTP के। नेक्स्ट इज HTTPS। अभी तो मैंने बताया कि आपको गूगल पे अगर हम कुछ भी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करते हैं, या फिर हम URL जो हमारा एड्रेस बार होता है वहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर वेबसाइट लिखते हैं और हम एंटर प्रेस करते हैं तो HTTP आता है। कई बार आपने कुछ ऐसी गवर्नमेंट की साइट से की होगी जिसके आगे आपका HTTPS लिखा हुआ था, दैट इज सिक्योर, एस स्टैंड्स फॉर हेयर सिक्योर। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन को एक सिक्योर वे में, जो दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको सिक्योर वे में उस कम्युनिकेशन को करवाने में हेल्प करता है, ताकि हमारा जो ब्राउज़र पे कम्युनिकेशन हो रहा है दो कंप्यूटर्स के बीच में वो सिक्योर वे में हो, और हमारा जो डाटा फैच हो रहा है वो भी सिक्योर वे में हो फ्रॉम अ वेब सर्वर
HTTP is used for transferring data between the client browser and the web server. Client browser जो request भेज रहा है एक particular page की या कुछ किसी particular image की, तो वो जो particular हमारी request होती है वो web server के पास पहुंचती है और web server response करता है. तो हमारी जो ये पूरा format होता है वह hyper text format में होता है. और HTTP S के केस में भी ऐसा ही होता है कि हमारी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जा रही है और वेब सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर रहा है. बट इन द केस ऑफ HTTPS हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, जिससे कि कोई भी बीच में इंट्रूडर या थर्ड पार्टी मैसेज को रीड नहीं कर पाती. वो पर्टिकुलर डाटा जो हमारा ट्रांसफ़र होता है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, एक सिक्योर फॉर्मेट में होता है, ताकि उस नेटवर्क पर कोई भी थर्ड पार्टी मैसेज को रीड ना कर सके. सो इट कैन बी सेड दैट HTTPS थ्रोकर्ड हैकर्स, यानी कि हैकर्स जो आ रहे हैं नेटवर्क पर, वो हमारे डाटा के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते थ्रू आउट द ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स, यानी कि जो पैकेट ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क पर एक पर्टिकुलर नोड से दूसरी पर्टिकुलर नोड पर, वो हैकर्स इसको बीच में रीड ना कर पाएँ. तो इसे हम HTTPS बोलते हैं. नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज FTP. FTP allows users to transfer files from one machine to another. एक मशीन से दूसरी मशीन पर कैसे हमारी फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही है, इसे इन फाइल को ट्रांसफ़र करने में कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करता है, FTP. तो किस तरह की फाइल्स जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स होगी, मल्टीमीडिया फाइल्स होगी, टेक्स्ट फाइल्स होगी, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. सो इन फाइल्स को एक मशीन से दूसरी मशीन पर कौन ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करता है, FTP प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज SMTP. फुल फॉर्म ऑफ SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. SMTP हमारा डिज़ाइन हुआ था, जो भी हमारा ईमेल, आपने ईमेल यूज़ करते हैं, ईमेल पर आप कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उस केस में कौन हेल्प करता है, SMTP प्रोटोकॉल. SMTP एक रिलायबल एंड ईजी टू सेटअप प्रोटोकॉल है. इसका एक पर्पज़ बताया गया, ये सिंप्लीफाई करता है जो कम्युनिकेशन होता है ईमेल मैसेजेस का बिटवीन सर्वर्स. एक सर्वर्स पर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ईमेल मैसेजेस का, उसको कौन सिंप्लीफाई करता है, SMTP. इट अलाउज द सर्वर टू ब्रेक अप डिफरेंट पार्ट ऑफ ए मैसेज इन टू कैटेगरीज द अदर सर्वर कैन अंडरस्टडी. हमारे मैसेज को, जैसे एक मैसेज के अंदर टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, इमेज भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मैसेज के, उनको कैटेगरी में डिवाइड करता है, ताकि जो सर्वर है उस पर वो सर्वर उन पर्टिकुलर मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके. एनी ई मेल मैसेज हैज़ अ सेंडर, अ रेसिपियंट और समटाइम मल्टीपल रेसिपियंट, अ मैसेज बॉडी एंड यूजुअली टाइटल हेडिंग. क्योंकि मैसेज जो ईमेल का मैसेज होता है, इसमें सेंडर की भी इन्फॉर्मेशन होती है, रेसिपियंट की भी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार मल्टीपल रेसिपियंट को भी हम मेल भेज रहे हैं, मैसेज बॉडी भी होती है, टाइटल भी होता है, तो इन सभी को ईमेल के मैसेज को, इसमें हमारा ऑडियो भी हो सकता है, कोई अटैचमेंट भी हो सकती है एक्सेल की, वर्ड की, तो इसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा सर्वर हमारे मैसेज को प्रॉपरली रीड कर सके. वंस अ मैसेज गोज आउट ऑन द इंटरनेट, जैसे ही हमारा मैसेज इंटरनेट पर, जैसे हमने सेंडर ने कोई भी मैसेज सेंड कर दिया, तो वो इंटरनेट के थ्रू हमारा पहुंचेगा, तो हमारा जो मैसेज होता है वो स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट में टर्न हो जाता है, जो डिवाइड हो जाता है. तो हमारे टेक्स्ट जो होता है वो कोड वर्ड्स या नंबर्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ईमेल का सर्वर है वो हमारे मैसेज को कुछ वर्ड्स इन कोड फॉर्म में उसको समझता है, इसलिए हमारा मैसेज जो होता है वो एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि हमारा जो ईमेल का सर्वर है इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके. SMTP प्रोवाइड दोज कोड्स. SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे मैसेज को कोड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं ईमेल सर्वर को, और ईमेल सर्वर पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस कोड को इंटरप्रेट करते हैं. SMTP का एक डिसएडवांटेज बताया गया है कि ये बहुत उस मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं, कई बार वो हमारा फेक सेंडर एड्रेस से भी सेंड हो जाता है, क्योंकि कोई फेक सेंडर एड्रेस है वो उस मैसेज को सेंड कर रहा है, तो सर्वर तो उस पर्टिकुलर मैसेज को रीड कर लेगा, उस कोड जो कोड फॉर्म में इसके पास पहुंचा हुआ तो उसे इंटरप्रेट कर लेगा, पर उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये रियल सेंडर एड्रेस इसको रिसीव हुआ है या फेक सेंडर एड्रेस रिसीव हुआ है. द रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ मैनी ईमेल बेस्ड वायरस, जिससे क्या होता है ईमेल बेस्ड वायरसेस हमारे स्प्रेड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज POP, जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं. ये हमारा POP जो 3 वर्जन का है, ये हमारा डिज़ाइन किया गया था, जो भी ईमेल रिसीव होती है, ईमेल सेंड तो कर दी, SMTP सर्वर ने इसको कोड वर्ड में रीड भी कर लिया, उसको इंटरप्रेट भी कर लिया, पर ये रिसीवर को कैसे रिसीव होगी, उसके लिए POP 3, जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं, हमारा डिज़ाइन किया गया था. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 या POP 3 इज अ थर्ड वर्जन ऑफ अ वाइड स्प्रेड मेथड ऑफ रिसीविंग ईमेल
which receive and hold email for an individual until they pick it up. जब तक रिसीवर उस मैसेज को, उस ईमेल को रीड नहीं कर लेता या रिसीव नहीं कर लेता, तब तक वो जो रिसीवर के पास मेल पहुंचनी थी या पहुंच गई है, उसको कौन होल्ड करके रखेगा? पीओपी प्रोटोकॉल। एसएमटीपी के अंदर एक डिसएडवांटेज थी कि अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर ऑनलाइन नहीं है तो मेल रिसीव ही नहीं होती थी। सो द एसएमटीपी सर्वर रिसीव द मेल ऑन बिहाफ ऑफ एवरी होस्ट एंड द रिस्पेक्टिव होस्ट दैट इंटरेक्ट विद द एसएमटीपी सर्वर टू रिट्रीव मैसेज बाय यूजिंग अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल कॉल्ड POP3। जो भी डिसएडवांटेज एसएमटीपी के अंदर आ रही थी, उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारा POP3 प्रोटोकॉल आया था, जो हमारी ईमेल्स को, अगर मान लो रिसीवर ऑनलाइन नहीं है तो वो POP3 उस मेल को रिसीव कर लेता था, और जैसे ही रिसीवर ऑनलाइन आता था तो वो मैसेज उसको रिसीव हो जाता था। नेक्स्ट इज टेलनेट। टेलनेट हमारा एक मेन इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जो हमारे कनेक्शन को क्रिएट करने में, किससे, रिमोट मशीन से उस कनेक्शन को बनाने में हेल्प करता है। आपने देखा भी होगा आज के टाइम में ऑनलाइन जो काम चल रहा है कंपनीज के अंदर, वर्क फ्रॉम होम, तो हम सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जाता है। एक पर्सन फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में बैठा है और एक पर्सन दिल्ली में बैठा है, तो वो आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? रिमोट कनेक्शन कैसे पॉसिबल होगा, एक वर्चुअल कनेक्शन कैसे पॉसिबल होगा कि वहाँ का पर्सन हमारे पर्टिकुलर वर्क को वहाँ बैठे बैठे चेक कर ले? तो इसके लिए एक रिमोट कनेक्शन बनता है, एक वर्चुअल कनेक्शन बनता है, जो किसके हेल्प से बनता है? टेलनेट की हेल्प से। इट अलाउज यू टू कनेक्ट टू रिमोट, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है टेलनेट जो रिमोट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है ओवर अ TCP/IP नेटवर्क, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। वंस योर टेलनेट क्लाइंट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट, जैसे ही टेलनेट क्लाइंट मशीन एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लेती है रिमोट होस्ट के साथ, तो क्लाइंट हमारा कैसा बन जाता है? एक वर्चुअल टर्मिनल बन जाता है, यानी कि हमारे क्लाइंट अब सिस्टम को, जो जिनके साथ हमने टेलनेट कनेक्शन बनाया है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में बैठा है, वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। दैट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद रिमोट होस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर विद वट एवर प्रिविलेजेस यू मे हैव बिन ग्रांटेड टू द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। आपने उस पर्टिकुलर रिमोट होस्ट को कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से प्रिविलेजेस ग्रांट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज इंटरनेट रिले। चलिस इंटरनेट रिले चैट, IRC भी बोलते हैं इसे। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे चैटिंग के लिए यूज़ होता है। आप व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते हैं, आप गूगल पे भी चैटिंग करते हैं, सॉरी जीमेल के थ्रू भी चैटिंग करते हैं, या कोई और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जब हम चैटिंग करते हैं, तो इस चैटिंग को, हमारे मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में IRC प्रोटोकॉल हेल्प करता है। इट प्रोवाइड चैटिंग बिटवीन अ ग्रुप और बिटवीन टू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल के बीच में भी चैटिंग हो सकती है, ग्रुप में भी चैटिंग हो सकती है, तो इसके लिए IRC प्रोटोकॉल हमें हेल्प करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जार्को जार्को ऑक्रिनन इन फिनलैंड। एक पर्सन है जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को डेवलप किया था इन द लेट 1980 में, और ये जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। इसमें IRC क्लाइंट सेंड भी कर सकता है और मैसेजेस को रिसीव भी कर सकता है। एक IRC सर्वर इसमें बीच में होता है। जब क्लाइंट सेंड या मैसेज रिसीव कर रहा होता है, तो हमारे मैसेज सबसे पहले IRC सर्वर पर पहुंचते हैं और वहां से फिर रिसीवर को रिसीव होते हैं। द IRC सर्वर ट्रांसपोर्ट द मैसेज फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। हमारे मैसेज को क्लाइंट से सर्वर तक, एक मशीन से दूसरी मशीन तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? IRC सर्वर। IRC सर्वर इज लिंक टू मैनी अदर सर्वर्स टू फॉर्म एन IRC नेटवर्क। एक IRC सर्वर दूसरे बहुत सारे IRC सर्वर से मिलकर जुड़ा होता है, जो कि एक IRC नेटवर्क बनाते हैं। IRC सर्वर आइडेंटिफाइज एवरी यूजर थ्रू अ यूनिक निक नेम। हर एक IRC सर्वर का अपना एक यूनिक निक नेम होता है। ईच यूजर इज असाइंड अ यूनिक चैनल इन केस मल्टीपल डिस्कशन आर टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल डिस्कशन चल रही है, तो उस केस में हर एक यूजर को अपना एक यूनिक चैनल असाइन किया जाता है, जिसकी हेल्प से मल्टीपल ग्रुप में, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर्स जो है चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल नेम इज VOIP। फुल फॉर्म ऑफ VOIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इनेबल्स अ यूजर्स टू ट्रांसफर द वॉइस यूजिंग अ पैकेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क रेदर देन यूजिंग अ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। एक हमारा प्रोटोकॉल होता है PSTN, जो पहले यूज होता था, तो उसके बाद हमारा आया था पैकेट स्विच नेटवर्क। पैकेट स्विच नेटवर्क पर हमारी जो वॉइस कैसे ट्रांसफर होगी, वॉइस को ट्रांसफर करने के लिए हमारा VOIP प्रोटोकॉल यूज होता है। VOIP सॉफ्टवेयर की हेल्प से फोन कॉल्स जो होती हैं इंटरनेट कनेक्शन पर पॉसिबल हो पाई हैं। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा जो आपकी वॉइस कॉल्स होती हैं, या और भी मैसेंजर पर भी वॉइस कॉल्स होती हैं, वो वॉइस कॉल्स पे इंटरनेट के थ्रू आपकी जो वॉइस है कैसे वो
सेंडर टू रिसीवर पहुंच पाती है VOIP सॉफ्टवेयर की हेल्प से। दिस मेथड ऑफ मेकिंग फोन कॉल्स इज मच चीपर देन कन्वेंशनल वे बिकॉज द सर्विस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इज नॉट यूज, क्योंकि जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती थी जैसे कि BSNL वगैरह यूज़ होता था, या हमारे पर्टिकुलर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूज़ होती हैं टेलीकम्युनिकेशन में, सो आज के टाइम में इंटरनेट के थ्रू भी जो कॉल्स हो पा रही हैं वो हमारी ज़्यादा चीपर है, क्योंकि इसमें हमारा इतना अब टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन का जैसे BSNL है, वोडाफोन है या एयरटेल है, उसमें आप रिचार्ज कराते हैं पर्टिकुलर, पर एक इंटरनेट का रिचार्ज करा के आप फ़ोन कॉल्स आपकी वो चीपर होती हैं एज़ कंपेरिजन टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सर्विसेज। देर थ्री डिफरेंट मैथड ऑफ VOIP सर्विस इन कॉमन यूज टूडे, तीन तरह के हमारी VOIP सर्विसेज जो आज के टाइम में यूज होती हैं। सबसे पहला हमारा ATA, ATA स्टैंड करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करने के लिए हमारा ATA VOIP सर्विस यूज होती है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द टेलीफोन डिवाइस टू द कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने टेलीफोन डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो इसके लिए ATA मैथड का यूज़ करते हैं VOIP के अंडर। इट टेक्स द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द फोन, ये हमारे फ़ोन से जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है और आपकी जो वॉइस होती है वो फ़ोन के थ्रू जो जा रही है वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, और ये डिजिटल सिग्नल्स फिर हमारे इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। सम प्रोवाइडर्स ऑल्सो यूज बंडलिंग ATA फ्री, बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो ATA फ्री में प्रोवाइड करते हैं विद देयर सर्विसेज। नेक्स्ट इज IP फोन्स अपीयर मच लाइक एन ऑर्डिनरी फोन, IP फोन्स हमारे ऑर्डिनरी टेलीफोन की तरह होते हैं, कॉर्डलेस फोन की तरह ही होते हैं, और हमारे ये जो फ़ोन होते हैं किससे कनेक्टेड होते हैं, राउटर के साथ या फिर लैंड नेटवर्क के साथ। दे हैव ऑल दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेसेसरी राइट ऑन बोर्ड टू हैंडल द IP कॉल, एक IP कॉल को अटेंड करने के लिए जो हमारे पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो इन IP फोन्स के अंदर इनबिल्ट होते हैं। IP फोन्स और समटाइम्स IP फोन्स को कई बार हम VOIP टेलीफोन्स, SIP फोन्स या सॉफ्ट फोन्स भी बोलते हैं, इसके अदर नेम्स बताए गए हैं IP फोन्स के VOIP टेलीफोन्स, SIP फोन्स या सॉफ्ट फोन्स। नेक्स्ट इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर, इट इज़ द मोस्ट ईजी एंड सिंपलेस्ट वे टू यूज़ VOIP, एक बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट या ईजी वे है जिसे जो यूज़ करता है VOIP का। द बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो मैथड है इसके लिए आप बेसिक हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, स्पीकर्स होने चाहिए एंड माइक्रोफोन्स होने चाहिए, जो हमारी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स है। द ओनली कॉस्ट इन्वॉल्व विद कंप्यूटर टू कंप्यूटर VOIP इज़ द मंथली ISP फ्री, यानी कि हमारा जो मंथली ISP फ्री है इसकी कॉस्ट क्या है, हमारा मंथली ISP फ्री होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर VOIP। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन सो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।